हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अच्छा, सबने आवाज आ रही है? दसो जरा, क्लियर आ रही है आवाज? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून रविंदर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अज अपनी करंट अफेयर की क्लास के नाल ही पंजाब की जीके की क्लास जी वो लगेगी, ठीक है? ये 2 घंटे की क्लास होया करेगी। जिस दे विच अद्धा घंटा आपां करंट अफेयर्स करिया करेंगे डिस्कस, ते बाकी टाइम पंजाब जीके ते क्वेश्चंस प्लस जिहड़े आपां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे सीगे ओहो, ठीक है जी? ते गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर की है कि पंजाब पुलिस टू एस्टैब्लिश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फॉर कॉप्स, के पुलिस वाले लिए जिहड़े पुलिस दे विच हैगे ने ऑलरेडी, है ना, एम्प्लॉयज, तां उहनां दे लिए हेल्थ एंड वेलनेस जिहड़े सेंटर्स ने, मतलब कि जिम वगैरह, है ना, या योगा सेंटर्स, वो जिहड़े आ उह एस्टैब्लिश कीते जाणगे पंजाब पुलिस दे द्वारा। चलो आओ देखते हैं। द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल हैव फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंडोर जिम, इंडोर जिम की फैसिलिटी, आउटडोर जिम होया करेगी, स्पेस फॉर मेडिटेशन एंड योगा, फिजियोथेरेपी सेंटर एंड काउंसलिंग रूम टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू फोकस ऑन द हेल्थ एंड वेलनेस फॉर द कॉप्स, के जेडे अनफिट कॉप्स ने, अनफिट या घट, मतलब कि जेड़ा अपने हेल्थ के वल ध्यान नहीं दे पा रहे ड्यूटी दे होण करके, है ना, जिदा पुलिस की जिहड़ी ड्यूटी है, देखो वह 24 घंटे की ड्यूटी है, पुलिस की छुट्टी, पुलिस नूं कोई छुट्टी नहीं हुंदी। हाँ, वैसे हो जाण पर वैसे पुलिस की कोई छुट्टी नहीं हुंदी, क्योंकि जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वह संडे नूं भी मेनटेन करना पैंदा, ठीक है, वह दिवाली वाले दिन भी मेनटेन करना पैंदा, तां करके पुलिस वाले नूं कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है। इस करके ये भी है कि वह अपनी हेल्थ के वल जिहड़ा वह ध्यान नहीं दे पाते, है ना, अजकल आप थोड़ा देखते हैं, बट जे कई लोग इदां दे आ कि वह मजाक करते हैं, चलो कोई गल नहीं। पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिनकर गुप्ता सेड दैट द प्रेशर्स ऑफ जॉब एंड स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस ऑफ पुलिस लीड्स टू फैटीग, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस विच कुड लीड टू सीरियस हेल्थ इशूज, के जिहड़ी जॉब का जिहड़ा प्रेशर है ना, सारा दिन सीनियर्स का प्रेशर, उत्तों जिहड़ी जॉब है वह स्ट्रेसफुल, कोई पता नहीं कदों अत्तवादी हमले भी हो जाते हैं। देखो जिहड़े पंजाब च अत्तवादी हमले हुंदे आ तां उहनां लई तुसीं देखिआ सीगा, है ना, जदों गुरदासपुर पठानकोट च अत्तवादी हमला होया सी तां पंजाब पुलिस ने की कीता, पंजाब पुलिस मतलब कि कोई आपां आर्मी, कोई BSF वगैरह किसी नूं नहीं बुलाया सी, पंजाब पुलिस ने खुद ही अत्तवादियों का सामना किया सीगा अपने दम ते, जेडे अपने SP सीगे ओहो शहीद भी हो गए सी उहदे विच, है ना, तां करके स्ट्रेस जिहड़ा उह बहुत ज़्यादा रहिंदा। एक अपने नाल जिहड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर लग, है ना, तां इह भी बड़ा फर्क पैंदा है इह चीज़ दा, ते जिहड़े इह चीज़ ने इह ट्रॉमा फटीक वगैरह, है ना, स्ट्रेस, इह कहिंदे भी सीरीयस हैल्थ इशूज़ बन जांदे अग्गे जाके, जदों आपां ध्यान नहीं दिंदे, थोड़े दिन आपां इग्नोर करदे आं, उस तों बाद थोड़ी बहुत मैंटल प्रॉब्लम्स आ जांदियां, उस तों बाद जॉब दा इशू, उस तों बाद कई बार इदां हुंदा बंदे दी पर्सनल लाइफ दे विच भी हो जांदा है, है ना, तो यह चीज़ है उन्होंने करके जी ये है खोलिया गया स्पेशल कॉप्स वास्ते। द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल बी एबल टू नज द कॉप्स इन अडेप्टिंग टू हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड टू इंश्योर अर्ली इंटरवेंशन इन प्रिवेंटिंग वेरियस लाइफ स्टाइल डिजीज, तो यह हेल्दी लाइफ स्टाइल मेनटेन करने के उन्होंने हेल्प करेगा, तो जोड़े भी डिजीज अजक फैलते हैं, है ना, मतलब कि भी अनहेल्दी लाइफ होने करके वो फिर उन्होंने वह राहत पा सकेंगे। चलो नेक्स्ट,
चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ पेपरलेस वर्किंग इन विधानसभा। चीफ सेक्रेटरी ने की कीता, रिव्यू कीता है प्रोग्रेस, मतलब कि पेपरलेस वर्किंग जिहड़ी कि पंजाब विधानसभा दे विच हुई है। पहला देखो सारा काम जिहड़ा है वह ऑफलाइन हुंदा सी, है ना, या कागजी पत्री, ते पेपरलेस वर्किंग दा हुण उह देखिया जिहड़ा डिजिटल इंडिया चला, डिजिटल पंजाब चली है, जिहड़ा जिहड़ी स्कीम चली है, ते उहदे उह किद्दां काम कर रहे, उहदा जिहड़ा रिव्यू लिया गया चीफ सैक्रेटरी द्वारा। अच्छा, चीफ सैक्रेटरी ऑफ पंजाब दा नाम दसो, उस दिन करवाया सी। अकॉर्डिंग टू सैक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब इज लाइकली टू अमंग द फर्स्ट स्टेट्स टू रोल आउट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटराइजेशन ऑफ द विधानसभा टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा टू द एमएलएज एंड टू इंटरैक्ट विद स्टेट डिपार्टमेंट्स। जिहड़ा पंजाब है वह स्टेट्स दे, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, विनी महाजन इज द चीफ सैक्रेटरी ऑफ पंजाब, ओके वेरी गुड। तो पंजाब जिहड़ा वह ना पहलिया स्टेट्स दे विच आउंदा है जिन्होंने मतलब कि जिहड़ा ई विधान प्रोजेक्ट है वह अपनी स्टेट दे विच लागू किया, तो जिहड़ा लैजिस्लेटिव असैम्बली का जिहड़ा भी कामकार है उहनू ऑनलाइन किया। अच्छा, ये तो चलो गल हो गई है ना पंजाब के पहलिया स्टेट्स दे विच आउंदा, बट सब तो पहली स्टेट कि वैसे पता किसी जिसने अपना सारा काम ऑनलाइन किया है? हाँ जी, पता है जी किसी? दो साल पहले का करंट अफेयर है वैसे तो यह, मतलब कि घटो घट डेढ़ साल पहले का तो है ही है, डेढ़ दो साल पहले का करंट अफेयर है। सब तो पहली स्टेट जिसने आह नैशनल ई विधान प्रोजेक्ट है जिहड़ा वह चलाया सी अपने स्टेट दे विच लागू किया सी असैम्बली नूं, असैम्बली का सारा काम ऑनलाइन करने के लिए। चलो ऑप्शन देना, ऑप्शन देना, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान या एमपी, दसो चारों के विचों। केरला? नहीं नहीं नहीं, केरला नहीं है। केरला ऑप्शन ही नहीं है। एमपी नहीं जी, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश ने जेड़ा वह सब तो पहला अपने स्टेट दे विच ए जेड़ी चीज है वह लागू की थी। एमपी नहीं है जी, एचपी है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अंडर द नेवा प्रोजेक्ट, नेवा प्रोजेक्ट केड़ा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, द विधानसभाज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री आर बीइंग डिजिटाइज्ड एंड मेड पेपरलैस। के नेवा जेड़ा प्रोजेक्ट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है जेड़ा, उसके अंडर सारी स्टेट्स ते यूनियन टेरिटरीज नू अपना की करना है, जेड़ा भी विधानसभा का जेड़ा भी काम है उन्हों सारे नू अपना डिजिटाइज करना है, ठीक है, तो पेपरलैस बना लेना। कई बार इदा होंगे ना कि भाई पेपर खो गए, है ना, वैसे खोते तो चलो है नहीं, बट फिर भी कई बार तुम शायद न्यूज़ सुनी होवे, है ना, पिछे जे न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली सी कि जेडे डॉक्यूमेंट्स आ वह गुआच गए ने। चलो कोई गल नहीं, हुण मैं दसना नहीं चाहता। द नेवा एप एंड वैबसाइट विल ऑल्सो बी लॉन्च, अ टोटल रुपीज 739 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क फॉर दिस परपज, ते 739 करोड़ की जी रकम है वह इस लॉन्च करने के लिए जी रखी गई है। अगे चलते हैं, मेगा फार्मा इंडस्ट्रियल पार्कस। चलो मेगा फार्मा इंडस्ट्रियल पार्कस जेडे आना रीजनस के बनाए जाएंगे, बठिंडा, राजपुरा, वजीराबाद, टू गिव मोर एम्पेटस टू मेडिकल इंडस्ट्री इन स्टेट। के जिथे फार्मा इंडस्ट्री जी होंगी है दवाइया ड्रग्स, है ना,
इन स्टेट पंजाब गवर्नमेंट विल सेटअप थ्री फार्मा मेडिकल पार्क इन द स्टेट सून, तो जिथे ये फार्मा पार्क जेड़े आ वह लगाए जाएंगे तो जिथे अपना पंजाब गवर्नमेंट दवाइया वगैरह बनाया करेगी, है ना। द प्रोजेक्ट विल केटर द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वैरायटी ऑफ एपीआईज फॉर्मुलेशन क्रॉप ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक। ग्राम पंचायत लैंड ऑफ 130 एकड़ हैज बीन प्रोक्योर्ड एंड फिजिकल प्रोसेशन हैज ऑल्सो बीन टेकन ओवर, ठीक है जी। तो ग्राम पंचायत तो इन्होंने 130 एकड़ के करीब जी जमीन है वह ले गई है इन्होंने पार्क के वास्ते। तो कोविड जिहड़ा मेन रीजन इन्होंने लगाउण दा होया पिया, हुण देखो अजकल की सीगा, एक तो वैक्सीन की कमी सी, है ना। वैक्सीन की कमी क्यों सी, क्योंकि जिहड़े फार्मा पार्क्स ने यह घट ने, इंडस्ट्रीज घट ने, तो पंजाब दा घट मतलब है ही घट, ठीक है। तो करके ये पंजाब के सीएम ने जिहड़ी यह सोची है कि तां जो अगे नूं अगर कोई इदां दी कंडीशन आवे तां अपने कोल जिहड़ी दवाइयां दी कमी ना रहे। पंजाब फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अ बून फॉर जलंधर विलेजेस, के पंजाब का जिहड़ा पहला सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वह जलंधर के पिंडां दे लई एक वरदान बनया। देखते हैं चलो पिंडां दे नाम। द पायलट प्रोजेक्ट सक्सैसफुली कमीशनड एट जगरामा मुरादपुर एंड तलवाड़ा विलेजेस। अच्छा पहले एक चीज़ दसो, पायलट प्रोजेक्ट की होंदा? पायलट प्रोजेक्ट मीन्स हाँ सैंपल कह सकते हैं या थोड़े एरिए दे विच पायलट प्रोजेक्ट होंदा है, थोड़े एरिए दे विच। ते एक होंदा पैन, जिद्दां आपां कह दईए कि कोई भी स्कीम पायलट बेसिस ते पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच लॉन्च की गई है ना, वह हो गया कि तिना स्टेट्स दे विच पायलट बेसिस ते लॉन्च किया जाना। तो एक होंदा पैन इंडिया, पैन इंडिया मीनस सारा या पैन पंजाब, जे ये पैन पंजाब प्रोजेक्ट होंदा तां मतलब कि सारे पंजाब दे पिंडां वास्ते, ठीक है। तो ये जिहड़ा मिशन है यह सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक किहड़े किहड़े पिंडां दे विच जगरावां मुरादपुर ते तलवाड़ा, इन्हां बिट टू इनश्योर अनइंटरप्टेड पोर्टेबल वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज इन द स्टेट। पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है कि डिपार्टमेंट ने यह स्कीम चलाई है। हैज सेट अप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एट जगरावां मुरादपुर एंड तलवारा विलेजेस ऑफ जलंधर डिस्ट्रिक्ट। अंडर स्कीम का नाम याद रखना है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। द पंचायत ऑफ दीज विलेजेस फेल्ट रिलीव्ड एज एयर जल घर इलेक्ट्री बिल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव कम डाउन टू जीरो, ठीक है। क्योंकि जेडे उन्होंने पानी के बिल ने, है ना, जिहड़े मतलब कि बिजली तो चलते सी मोटर चला के, जो मोटर का भी फिर बिल आता सीगा, वह जेडे जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि सोलर बेस्ड हो गया, तो सोलर का तो खर्चा ही नहीं कोई, वन टाइम इनवैसटमेंट है, उस तो बाद मेंटेनेंस है माड़ी मोटी, बट बिल वगैरह वह खत्म हो जाता। नाओ द पंचायत ऑफ दीज विलेजिज आर नॉट पेइंग एनी इलैक्ट्रिसिटी बिल फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एंड द सेम अमाउंट विच वॉज अर्ली स्पेंट फॉर पेइंग इलैक्ट्रिसिटी बिल्स इज बीइंग यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द विलेजिज। कहिंदे जिहड़े इन्हां पिंडां दे विच बिल भरन दे लई पैसे दित्ते जांदे सीगे, उही पैसा हुण बचदा है सोलर सिस्टम करके, ते उही पैसे नूं होर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे विच जिहड़ा है लगाया जांदा है, ठीक है। ते इह बहुत वधिया एक इनिशिएटिव है, ते सारे पंजाब दे विच भी लागू करना चाहीदा है।
क्योंकि देखो एक तो अपने पानी तो पहले ही वैसे तो बहुत डूंगे हो गए है ना पंजाब दे विच, उत्तों जिहड़ी सॉयल आ उहदी भी जिहड़ी कंडीशन आ उह खराब होई पई है ओवर इरीगेशन करके। वैसे तो मेरे हिसाब नाल थोड़ा टाइम मतलब कि जिहड़ा आ झोना जी झोना लाउणा नहीं चाहीदा है ना। पंजाब दे लोग देखो चौल किन्ने खांदे ने, ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚੌਲ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਕਡ 7th ਫੋਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ UDID ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਟੂ ਇੰਪਾਵਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੀ ਇਨਫੋਰਮ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੈਰਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਸ UDID ਕਾਰਡ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਅਨਸੈਸਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕੋਡਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਰੀਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PWDs ਨੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ UDID ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੀਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ QR ਕੋਡ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ QR ਕੋਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ QR ਰੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇਖੋ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ
जिदे विच कोई भी डिसेबिलिटी होवे किसी भी तरह की, तां इन्हां नूं दिव्यांगजन वैसे तां करके कहा जांदा कि देखो अगर रब ने उन्हां नूं कोई होर चीज नहीं दित्ती तां उन्हां नूं एक दिव्य दृष्टि है जिहड़ी ओह दित्ती हुई है, या उन्हां नूं एक होर जिहड़ी एक्सट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना वह दित्ती हुंदी है, तां करके जिहड़ा इन्हां दा नाम है वह दिव्यांगजन कहा जांदा है इन्हां नूं। ठीक है चलो, स्पेशलाइज्ड आईटी कैडर टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोग्राम टू बूस्ट डिजिटल पंजाब। एक स्पेशलाइज्ड आईटी कैडर है जिहड़ा वह बनाया जाऊगा पंजाब दे विच इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करन दे लई, जिहड़ा कि डिजिटल पंजाब दे अंडर आउंदा, मतलब कि डिजिटल पंजाब नूं अच्छी तरह पंजाब दे विच इंप्लीमेंट करन दे लई, ते उहनूं रिव्यू वगैरह करांगे कि सही चल रहा है या किवें चल रहा है, की खामियां आ रहियां ने, है ना, वह सब कुछ देखा जाऊगा। उस तो बाद देखते हैं, पंजाब गौरमेंट लैड बाय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एनविजन डिजिटल पंजाब प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इन टू अ डिजिटली इंपावर सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ओल्ड एस्टैब्लिश्ड फिजिकल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इन न्यू वेज दैट आर ऑप्टिमाइज्ड अराउंड रियल टाइम सिस्टम। के पंजाब नूं ते पंजाब दी सोसाइटी दे लोकां नूं, है ना, ते पंजाब दी इकोनॉमी नूं जिहड़ा उह डिजिटाइज किया जाएगा, जिसका काम की होएगा कि एक तो जिहड़ा कन्वेंशनल मैथड ने अपने, मतलब कि फिजिकल, है ना, फिजिकल पेपर वर्क, ओदी जगह ते डिजिटल प्रोग्राम लियांदा जाएगा तां जो आपां जिहड़े नवे तरीके आ उह अपनाए जाण ते आपां अपने इकोनॉमी नूं बूस्ट कर सकीए, नॉलेज नूं बूस्ट कर सकीए, ते जिहड़ा काम है उह रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम मतलब कि जिहड़ा जल्दी तो जल्दी हो सके। ठीक है, जिदा आप कहने ना आप पैसे पाए पेटीएम पेटीएम गूगल पे आप करते हैं पैसे भेजते हैं, दो सेकेंड दे विच पैसे पहुंच जाते हैं, है ना, तो वह रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है जी, चलो नहीं तो की करते हैं, नहीं तो पहला आप करते सी बैंक च जाना, बैंक च जाके पहला जमा करवाने, है ना, फिर होर वो पुछदा कि पैन कार्ड लैके आओ, ये लैके आओ, वो लैके आओ, जे आप किसी होर के खाते जमा कराने, है ना, तो होर मतलब कि 100 जिहड़े पंगे आ वो पैंदे सीगे, पर हुण की हो गया बहुत ईजी हो गया पैसे भेजन ट्रांसफर करना। तो सगों कई बैंकों के विच तां की करदे आ कि काउंटर नंबर 3 ते जाओ, है ना, देखिया होना तुसीं, मीम्स भी बनते कि नहीं नहीं हुण लंच टाइम हो गया, तो ये मैं खुद एक्सपीरियंस नाल भी बोल रहा, परसनल एक्सपीरियंसिस भी होंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ, डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिफॉर्म्स बींग द नोडल डिपार्टमेंट, मतलब कि जो इनू इंप्लीमेंट करूगा, जो यदि देखरेख करूगा, हैज बीन मैंडेटेड टू अंडरटेक द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट लैवल आई टी कैडर, स्टेट लैवल आई टी कैडर, तो जेडे रिक्रूटमेंट्स जीडिया ने वो कड़िया जाएगियां, तो मुंडे भर्ती करे जाएंगे, मुंडे कुड़ियाँ, टू एग्जीक्यूट वेरियस आई टी एंड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। द परसन रिक्रूटेड अंडर द आई टी कैडर वुड बी डिप्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द परपज ऑफ एक्सटेंडिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर ई गवर्नेंस प्रोग्राम इनिशिएटिव्स। तो की किया जाऊगा, देखो जेडे आई टी कैडर जिन्हों भर्ती किया जाऊगा उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएंगे, जिदा किसी पुलिस डिपार्टमेंट भेजता, किसी जेलों वाले डिपार्टमेंट भेजता, किसी मतलब कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना, तो अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे जो वह उत्थे जाके जी है टेक्निकल गाइडेंस से सपोर्ट उन्होंने दे सकन ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स बारे, तो उन्होंने बारे दस सकन, तो उत्थे जाके जिहड़ा वह पेपरलैस वर्क नूं ऑनलाइन वर्क दे विच तब्दील कर सकन। ठीक है, इत्थे तक कोई डाउट? The move will help in effective implementation of the Punjab Transparency and Accountability of Delivery of Punjab Services Act 2018. That was enacted with the aim to provide government services within the stipulated time limits in an electronic manner by leveraging reforms and emerging technologies.
ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2018, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਸੋਲਰ ਬੇਸਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਿਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਈ ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਪੁਲਿਸ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ। ਬਜਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਜਟ ਤੇ ਸਰਵੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ।
कल्चर वाले टॉपिक्स इस तो बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, करंट अफेयर दी मैं कह दूंगा सर नूं कि पीडीएफ थोनू सेंड कर देंगे ग्रुप दे विच। अच्छा पुरानी क्लास दे विच कोई डाउट पूछो पहला, अगर पुरानी क्लासेस दे विच किसी नूं कोई डाउट है तां। करिए जी स्टार्ट फिर। चलो डिस्ट्रिक्ट तो पहला आपां अपनी जिहड़ी कैपिटल है पंजाब दी राजधानी जिसनूं आपां कहिंदे आ है ना वह देख लीए। जिहड़ी कि पंजाब ते हरियाणे दी सांझी राजधानी है चंडीगढ़। उस तो बाद जिहड़े आपां डिवीजनस देखांगे किहड़ी किहड़ियां ने, उस तो बाद देखांगे आपां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिहड़ा वह कित्थे लोकेटड है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, ये शिवालिक के फुट हिल्स के लोकेटड है। अपन इतों देखते हैं ना शिवालिक पहाड़। ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट PM श्री जवाहर लाल नहरू। जवाहर लाल नहरू की यह जी आप कह सकते हैं सुपन की नगरी। ठीक है, सुपन की नगरी सी यह, तो उन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्ट नूं बुलाया ले कॉर्बोजियर नूं, ते जिन्हां ने जिहड़ी इह सिटी है वह प्लैन की है। वैसे जिहड़ा चंडीगढ़ जिहड़ा शहर है वह हड़प्पन नाल भी, हड़प्पन जिहड़ी सभ्यता सीगी सिंधु घाटी की सभ्यता उहदे नाल भी रिलेटिड है। ठीक है, इत्थे कहा जाता है कि जिहड़ी एक लेक है वह मतलब कि भी उस टाइम की है, तो जिहड़े उत्थे फॉसिल्स मिले सी वह घट्टो घट 8000 BC दे 8000। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इदा ही दस रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा पता होना चाहिए कि हड़प्पा के नाल भी ये लिंक सीगा। 8000 BC दे लगभग मतलब कि भी जदों एरिया सीगा जिहड़ा चंडीगढ़ का एरिया उत्थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जिहड़े लोग सी वह रहिंदे सी। ठीक है, तो देखो एक होर तुसी देखो गल कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी इत्थे रहिंदे सीगे है ना 8000 साल 8000 BC मतलब कि घट्टो घट 10000 साल पहला। तो जिहड़ा चंडीगढ़ प्लैन भी किया गया वह भी मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही किया गया। आप पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच के ग्रिड सिस्टम है, चैकबॉक्स है ना। तो चंडीगढ़ का जे तुसी मैप देखो ना जेड़े सैक्टर्स है वह इदा वंडे हुए ने। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, करंट अफेयर की क्लासेस भी लगा लिया करो जी। तो ग्रिड सिस्टम है जो ग्रिड पैटर्न जो फॉलो किया गया चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ प्लैन करने। ठीक है, तो जोड़ा हड़प्पा के जोड़े शहर से ज़्यादातर वह भी ग्रिड सिस्टम नाल ही बनाए हुए थे। तो ड्रेनेज सिस्टम कवर ड्रेनेज सिस्टम से जिदा चंडीगढ़ के उदों ही IVC हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। पंजाब GK की क्लास चल रही है हूँ, जी पंजाब GK के करंट अफेयर की जी क्लास है वह इदा ही चलिया करूगी 2 घंटे लगातार 12:30 तो 2:30 बजे तक। ठीक है, तो चंडीगढ़ जिहड़ा वह मिडीवल पीरियड के पंजाब जिहड़ी मतलब कि प्रोविंस सी उदों है ना
ओदा भी पार्ट रहे है सॉरी ते उस तो बाद जिहड़ा अपना 1947 दे विच वंड होगी ते फिर ईस्ट पंजाब दी कैपिटल बन गया चंडीगढ़। ठीक है, आ नाम याद रखना फ्रेंच आर्किटेक्ट दा। वैसे तो सब नूं पता ही है चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, क्योंकि पता लग पता ही है इत्थे, है ना, एक शायद म्यूजियम भी है। चंडीगढ़ ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द टेंपल ऑफ चंडी मंदिर। चंडी मंदिर सुनिया होना तुसीं, लोकेटेड इन द विकनिटी ऑफ द साइट सिलेक्टेड फॉर द सिटी। चंडी मंदिर के नाम से जिहड़ा चंडीगढ़ का नाम रखा गया है, द डाइटी चंडी जिहड़ी चंडी देवी है, गॉडेस ऑफ पावर शक्ति, एंड अ फोर्ट ऑफ गढ़ लाइंग बियॉन्ड द टेंपल गेव द सिटी इट्स नेम चंडीगढ़। ठीक है जी, द कैपिटल। ते चंडी दे नाम ते जेड़ा इहदा चंडी ते गढ़ जेड़ा उहदे कोल जेड़ा एक किला है, फोर्ट है, उहदे नाम ते जेड़ा चंडीगढ़ दा नाम है वह पिया है। चंडी दा सब नूं पता ही है कि देवी है शक्ति जिहनूं आपां कहिंदे आ। ते अगे पढ़दे आ कैपिटल बारे कि कैपिटल कदों बनी। इन मार्च 1948 द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया approved the area of the foothills of the Shivaliks as a site for the new capital. Government, Punjab di government ne India di government naal salah mashwara karke ki kita ke jehda Shivalik de foothills wala area hai na ohnu apan ek navi capital bana dene utthe shehar establish karke. Te vaise eh sara area Punjab da siga, Punjab de pindan nu katt ke jehda Chandigarh oh banaya gaya hai. Foundation stone of the city was laid in 1952. Eh cheez yaad rakhni hai कि 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ 1952 ਟੂ 1966। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1966 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਦਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। It assumed the unique distinctions of being the capital city of both Punjab and Haryana while it itself was declared as UT and under the direct control of the central government. ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ UT ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Under the provisions of the Punjab Reorganization Act, Punjab Reorganization Act ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1966। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ। 1947 ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਆਪਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਪਸੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ।
हाँ जी हाँ जी 1966 दे विच रीऑर्गनाइजेशन एक्ट आप करवाया था सी, है ना। हाँ जी हाँ पंजाबी सूबा मूवमेंट दे नाल रिलेटेड थी। ते पहला देखो 1947 तो बाद की होया, एक सीगा पेप्सू, एक सी ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब की कैपिटल सी शिमला, एदी कैपिटल सी पटियाला। ते उस तो बाद दोनों नु मर्ज कर दिता गया 1956 दे विच, ते 1952 दे विच ता उसकी जिहड़ी कैपिटल है वह चंडीगढ़ बनी गई सी। 1952 दे विच मतलब के जिहड़ी नींह पत्थर वह रखा गया सी, तां 52 तो लैके 66 तक जिहड़ी है चंडीगढ़ ने सिर्फ पंजाब की कैपिटल रही जिहड़ी चंडीगढ़ सिटी है। उस तो बाद पंजाब ते हरियाणा की सांझी, ते शाह कमीशन की रिकमेंडेशन से जिहड़ा पंजाब रीऑर्गनाइजेशन एक्ट है वह पास किया गया सीगा, ते पंजाब नूं ट्राइफरकेट किया गया सी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच 1 नवंबर 1966 नूं। ते जिहड़ा चंडीगढ़ है उसनों यूटी बना दिता गया ते सेंटर दे अंडर कर दिता गया, नहीं तां पंजाब हरियाणा दे विच फिर लड़ाइयां पैंदियां फालतू दियां। द लॉज इन फोर्स इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ पंजाब प्रायर टू 1 नवंबर 1966 हॉलीडेज कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरेटरी ऑफ द चंडीगढ़। इतने हॉलीडेज वाला कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि जेडे भी 1966 तो पहला जेडे सिर्फ पंजाब दे विच लॉ चल रहे थे उस तो बाद भी चंडीगढ़ दे विच यही लॉ चलन गए, ठीक है। ते 1 नवंबर 1966 तो जिहड़ी वह यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ बनया सी 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 तो जिहड़ा चंडीगढ़ है वह यूनियन टेरेटरी बनया सीगा ते सेंटर दे अंडर आ गया सी। ते उत्थे भी जिहड़े लॉज ने वह जिहड़े पंजाब च पहले चलते सी 1966 तो पहला उही उत्थे चलणगे उही कंटिन्यू रहणगे। द चीफ कमिश्नर हैडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चंडीगढ़ टिल 1 जून 1984। तो जिहड़ा पहला जिहड़ी चीफ कमिश्नर की जिहड़ी पोस्ट है वह हुंदी सी, ते जिहड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन नूं हैड करदा सीगा, ते ये जिहड़ी पोस्ट है यह 1 जून 1984 दे तक कंटिन्यू रही। उस तो बाद जिहड़ी वह पोजिशन है वह एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बना दी गई, जिहड़ा कि पंजाब का गवर्नर है जिहड़ा वह एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ कम करूगा। तो इन्हां दे विच क्वेश्चन आ सकदा तो आप देख लें एक बारी सारिआं ते निगाह मार के। श्री एम एस रंधावा जिहड़े कि पहले चीफ कमिश्नर सीगे चंडीगढ़ दे 1966 तो लैके 1968 तक 2 साल, श्री दामोदर दास 1968 तो लैके 1969 तक, बीबी बागची 1969 तो लैके 1972 तक 3 साल, एम पी माथुर 1972 तो लैके 1975 तक, जी पी गुप्ता 1975 तो लैके 1976 तक, टी एन चतुर्वेदी 1976 तो लैके 1978 तक, श्री जे सी अग्रवाल 1978 तो 1980 तक, बी एस राओ 1980 तो लैके 1982 तक, ते श्री के बैनर्जी 1982 तो लैके 1984 तक। ते एक गल इहदे च होर इहनां दे विच्चों कोई भी जिहड़ी है वह फीमेल कमिश्नर नहीं है, ठीक है, सारे मेल कमिश्नर ने। इदां दीआं चीज़ां जिहड़ीआं हैगीआं उह नोट कर लिया करो, भावें पुछण भावें ना पुछण, पर फिर भी जिहड़ी है जे मान लो ऑप्शन दे विच कोई फीमेल दा नाम आ जावे, है ना, 4 ऑप्शन दे विच 2 नाम फीमेल दे, तां तुहानूं सिद्धा ही पता है कि आपां इह एलीमीनेट करना है, क्योंकि कोई भी फीमेल जिहड़ी है वह चीफ कमिश्नर नहीं रही चंडीगढ़ दी 1984 तक, ठीक है ना। ते देख लो एक बारी कोई डाउट इत्थे दा किसे नूं।
हाँ जी मनिंदर, रितु, जसप्रीत, रविंदर, नहीं है ये डाउट, आगे चलिए फिर। चलो, ऑन 1 जून 1984 द गवर्नर ऑफ पंजाब टुक ओवर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एज द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम चीफ कमिश्नर एंड सिंस देन ही हैज बीन फंक्शनिंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो 1984 तो 1 जून 1984 तो लैके हुण तक जिहड़ा पंजाब दे गवर्नर ने ओहो चंडीगढ़ दे एडमिनिस्ट्रेटर दा काम भी निभा रहे ने, जिहड़ी ओहदी पोस्ट है उत्थे जिहड़ा काम है ओह भी ओही देखदे ने। ठीक है, चलो अगे देख लैने आपां। ते चंडीगढ़ दे एडमिनिस्ट्रेटर दे नाम आपां पढ़ लैने एक वारी सारे। ते इहनां दे विच्चों इक इह वी चीज़ देखियो कि लोंगेस्ट टाइम पीरियड किहदा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग, क्वेश्चन बनाउन नूं जिद्दां मर्जी दा बना लो, इदां नहीं है कि जिद्दां दे आपां प्रीवियस ईयर च देखदे आए हां कि उदां दे ही बनणगे। हर टॉपिक चों कोलों क्वेश्चन बनाउन दी भी कोशिश करिया करो, है ना। ते इहदे नाल की हुंदा, इक तां थोड़ा दिमाग चलाउणा मतलब कि स्टार्ट हो जांदा है, मतलब कि ज्यादा पहला भी चलता ही है, पर इहदे नाल की हुंदा है कि आपां अलग अलग डायमेंशनस दे नाल एक चीज़ नूं आपां अलग अलग डायमेंशनस दे नाल देखना जिहड़ा उह स्टार्ट कर दिंदे आ। ठीक है, चंडीगढ़ यूटी 1 नवंबर नूं बनी सी जी, आपां कीता तां सी 1 नवंबर। आ देखो, मनिंदर आ देखो बेटा, 1 नवंबर 1946, 1 जून 1984 नूं की कीता। 1 जून 1984 तक तां जिहड़ी चीफ कमिश्नर की पोस्ट है वह चली सी, उस तो बाद जिहड़ी है गवर्नर जिहड़े गवर्नर ने पंजाब दे उन्होंने टेक ओवर कर लिया सी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, चलो ते आ देखो, टिल 1 जून 1984 तक, ये तो ये लिंक्ड है। ठीक है, तो जोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूनियन टेरेटरी का, वह पंजाब का गवर्नर ही होंगे। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक बार निगाह मार लें, तो इन्हें मैं दसिया कि लोंगेस्ट सर्विंग जोड़ा वो तुम आप देखना, तो शॉर्टेस्ट केड़ा है ना, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड भी कहड़ा सी, तो लोंगेस्ट केड़ा, तो ये देखना है। पहला इन्हां विच की देखना हुंदा, फर्स्ट प्रेजेंट, ते जिहड़े अपने लास्ट तीन रहे आ, एटलीस्ट लास्ट थ्री, मतलब कि एक तां प्रेजेंट हो गया, उस तो अलावा लास्ट टू जिहड़े उन्हां तो दो पहलां सीगे, एक तां उह देखणे आ, एक लोंगेस्ट लोंगेस्ट सर्विंग ते शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड सर्विंग जिहड़ा सी वो आपां देखना। तो इहदे चों ही देखो भी 5 क्वेश्चन तो यही बन गए। चलो
क्वेश्चन बनाने जिदा मर्जी घुमा के बना दो। भैरव दत्त पांडे 1 जून 1984 लगे थे, 2 जुलाई 1984 मतलब कि 11 महीने के करीब, सॉरी एक महीना ही सिर्फ 31-32 दिन है जेड़े वह रहे है। केरशप तहमुरावस सतारा वाला ते नाम काफ़ी डिफिकल्ट है। 13 जुलाई 1984 से 14 मार्च 1985 तक इन्हों भी टाइम पीरियड कोई खास नहीं सी। अर्जुन सिंह 14 मार्च 1985 तो 14 नवंबर 1985 तक। शंकर दयाल शर्मा 14 नवंबर 1985 तो 2 अप्रैल 1986 तक। सिद्धार्थ शंकर रे 2 अप्रैल 1986 तो 8 दसंबर 1999। निर्मल मुखर्जी 8 दसंबर 1999 तो 14 जून 1990 तक। वीरेंद्र वर्मा तो इन्हों का टाइम पीरियड वैसे 1 मंथ का है, ये आप एक बार मार्क कर लें देखते हैं फिर आप लोंगेस्ट सर्विंग कि शॉर्ट है सर्विंग कि। वीरेंद्र वर्मा 14 जून 1990, 18 दसंबर 1990 तो इन्हों का भी कोई ज़्यादा नहीं है, 5-6 महीने का ही है। ओम प्रकाश मल्होत्रा 18 दसंबर 1990 तो 7 अगस्त 1991। सुरेंद्र नाथ 7 अगस्त 1991 तो 9 जुलाई 1994। इन्हों का देखो हाले तक मतलब कि लोंगेस्ट जोड़ा आया वह सुरेंद्र नाथ का आया। लैफ्टीनेंट जनरल रिटायर्ड GFR जैकब 1999 तो 2004 तक, ये भी 3 साल के करीब है। जस्टिस ओम प्रकाश वर्मा 8 मई 2003 तो 3 नवंबर 2004। जनरल रिटायर्ड सुनील फ्रांसिस रोड्रीग्स 16 नवंबर 2004 तो 22 जनवरी 2010 तक, देखो 6 साल हाले तक इन्हों का जोड़ा वो लोंगेस्ट आ गया। शिवराज पाटिल 22 जनवरी 2010 तो 21 जनवरी 2015, 5 साल। कप्तान सिंह सोलंकी 2015-2016 तो VP बदनौर 2016 तो इनकम्बेंट मतलब कि भी हाले जोड़े आ वो है VP सिंह बदनौर जी, तो जेडे कि अपने पंजाब के गवर्नर भी ने ते चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी ने, ठीक है। तो लोंगेस्ट सर्विंग हूँ देखो कि होया ने 5 साल 5 साल 2 महीने हो गए, 5 साल 2 महीने तो इन्हों किन्ने साल हो गए 22 अगस्त तो लेके हूँ अगस्त दोबारा आने वाला है, तो 5 साल हाले इन्हों नहीं हुए। तो जेडे लोंगेस्ट सर्विंग सी ने ओह ने जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रीग्स, ठीक है, ये ने लोंगेस्ट सर्विंग। एक चीज याद रखनी है कि VP सिंह बदनौर तो पहला कौन सी, कप्तान सिंह सोलंकी तो पहला कौन सी, ये 3 तो घट्टो घट्ट याद रखने हैं। तो शॉर्ट है सर्विंग कौन ने, भैरव दत्त पांडे आप पढ़ के हटे पहला। जिन्हें सिर्फ जेड़े सिर्फ 1 महीने लिए ही एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं चंडीगढ़ के, ठीक है। प्रेजेंट देख लिया, लास्ट 3 देख ले, पहला देख लिया कौन सी, लोंगेस्ट देख लिया, शॉर्टेस्ट देख लिया। इतने तक किसी कोई डाउट है, कम रट्टे वाला, बट जे अपन पता लग जाए कि इदा इदा क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप रट्टा भी मार लेंगे, क्योंकि नंबर जेड़े वह बहुत कीमती ने, अद्धे अद्धे नंबर से जिहड़ी मेरिट है वह चली जाती है, ठीक है ना। तो अद्धे अद्धे नंबर से ही आप पेपर चो रह जाने, तो रहना नहीं है सिलेक्ट होना है। पूछो इतने तक किसी कोई डाउट हो तो।
क्लियर है, क्लियर। अच्छा पुरानी क्लासेस दे नोट्स मिल गए सीगे, बेसिक प्रोफाइल तक दे सब कोल नोट्स है गया, बेसिक प्रोफाइल वाली अपनी दो क्लासेस लगियां उन्होंने सब कोल नोट्स है गया उत्थे तक दे। है गया, चलो ठीक है। उस तो बाद आ गई थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ बारे, तां ये आप देख लेने हैं। कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जियोग्राफिकल एरिया जेड़ा है वह 114 किलोमीटर स्केयर है। नेबरिंग स्टेट्स केड़ी केड़ी ने पंजाब ते हरियाणा जेड़ा चंडीगढ़ नूं लगता। लैटीट्यूड, अच्छा लैटीट्यूड नाल जेड़ा इहदा एक्सटेंट है वह ज़्यादा क्यों नहीं दिता गया, क्योंकि जेड़ा एक डिग्री लैटीट्यूड है ना, जेड़ा एक डिग्री का लैटीट्यूड है वह 111 किलोमीटर हुंदा है, ठीक है, तो एक डिग्री भी नहीं है, मतलब जेड़ा स्ट्रैच है वह 111 किलोमीटर का हुंदा, तो 111 किलोमीटर का स्ट्रैच चंडीगढ़ च नहीं है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 16 ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ 15-16 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 304 ਤੋਂ 365 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਅਬਵ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 1, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 10,55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇਹ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 10.5 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5,80,000, ਫੀਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4,75,000, ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 10,26,000, ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 29,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, 9,900
58 ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 818 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 818 ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 880 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਲਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ 818 ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 86% ਹੈ ਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 90% ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 81.2% ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਇਹ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਲੈਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਕ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ
SI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸੌਰੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਿੱਚੋ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੀਟ ਬਾਏ ਕਲਾਸਿਸ ਬੀਟ ਬਾਏ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GS ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ SI ਦੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ 23 ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਵੀਂ ਰੋਪੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਵਿਜੀਬਲ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੇਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਐਂਡ ਮਾਨਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
मोगा, मुक्तसर ते देखो फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर ते मोगा, ये जेडे चार है, ये चार जिले आउंदे आ फिरोजपुर डिवीजन दे विच। ते फिरोजपुर डिवीजन आपां ये बना ली, एक बार आपां कली कली करके देखते हैं, उस तो बाद आपां सारियां मार्क करांगे। तीजी आउंदी है जलंधर, जलंधर दे विच किहड़ा किहड़ा आउंदा, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर ते पठानकोट। याद रखो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर ते पठानकोट। चलो कोशिश करते हैं आपां भी याद रखण दी। तरन तारण तो स्टार्ट होके आ देखो जी, ये सारी डिवीजन बन गई है, कि बन गई ये जलंधर डिवीजन बन गई। ठीक है, ये केड़े केड़े आ गए, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर। कपूरथले जेड़ा थोड़ा जहा पार्ट है वो इधर भी है। ठीक है, ये जेड़ा ये भी कपूरथले का पार्ट है, तो ये भी कपूरथले का पार्ट है। ठीक है, चलो हुण चौथी देखते हैं आप। चौथी केड़ी आ गई पटियाला, पटियाले विच किहड़ा किहड़ा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मलेरकोटला ते फतेहगढ़ साहब। संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, ये जिले आ गए। प्लस जो एक मलेरकोटला इतने होर आऊगा, ये सारे जिले जेडे पटियाले डिवीजन दे विच आ गए। केड़े केड़े, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब। किन्ने जिले हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे जिले जेडे हो पटियाले दे विच आ गए। चलो पंजवां देखते हैं, रोपड़। रोपड़ है जो सब तो लास्ट के बनाया गया, मतलब कि एक तरह न्यूली क्रिएटेड ही हो गया 2010 के, 31 दिसंबर 2010 को बनाया गया सी, जिस दे विच रोपड़, एस बी एस नगर, एस एस नगर आते हैं। जेड़ा अपना जेड़ा डिवीजन बन गई, यह केड़ी बन गई? ये अपनी बन गई रूपनगर डिवीजन। ठीक है, तो चलो हुण आपां एक बार मार्क कर लैने आ। इहदे विच जिले आउंदे आ तीन, उस तो बाद आपां मार्क करदे आ जलंधर डिवीजन नूं। ठीक है, ये बन गई जलंधर डिवीजन। ए किन्ने जिले आ? पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तीन, चार, पांच, छे, सत्त, सत्त जिले जेडे ओह जलंधर डिवीजन दे विच आउंदे ने। उस तो बाद फिरोजपुर डिवीजन दे विच केड़ा आउंदा? फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर ते मोगा। फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर ते मोगा।
ठीक है, ए जी डिवीजन है, ए केड़ी बन गई, ए किन्ने आ गए डिस्ट्रिक्ट, चार जिले जिहड़े है वो ए आ गए ने। उस तो बाद केड़ा रह गया, फरीदकोट डिवीजन, फरीदकोट दे विच मानसा बठिंडा ते फरीदकोट है जिहड़े ओह आउंदे आ। ठीक है, इहदे विच तीन जिले हो गए। उस तो बाद रह गया अपना पटियाला, पटियाले दे विच किन्ने आउंदे आ, एक दो तीन चार पांच छे, छे जिले आउंदे आ पटियाले दे विच, ते किन्ने हो गए देखो, सत तीन दस ते छे सोलह, सोलह चार भी ते तीन तेई, तेई जिले जिहड़े आपां वंडते ते इह तुहाडे सामने ने जिहड़े डिवीजनस ते अपना डिस्ट्रिक्ट की जिहड़ी आपां कीती है क्लासीफिकेशन इह तुहाडे सामने है। रोपड़ जी डिवीजन है वह पटियाले चो कट के बनाई गई सी, ठीक है, 2010 दे विच यह बनाई गई सी जी रोपड़ डिवीजन है, तो पहला सिर्फ चार सी हुण पांच हो गई, तो रोपड़ दे विच एक तो रूपनगर मतलब कि रोपड़, एक शहीद भगत सिंह नगर जिन्हों के नवा शहर कहिंदे आ, ते एक एस एस मोहाली, ठीक है, ये सारे जिहड़े आ रोपड़ डिवीजन के आते हैं। पटियाले के संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, फतेहगढ़ साहब, मलेरकोटला, जलंधर के गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, पठानकोट, उस तो बाद फिरोजपुर के फिरोजपुर, फजिलका, मुकसर, मोगा, फरीदकोट के फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, तीन। क्लीयर है जी सबनों? चलो जी क्लियर है ना सबनों? वेरी गुड, चलो ठीक है, ये सारे याद रख लियो यार, मैप वाली गल मेरी सीरियस लियो, मजाक ना समझियो। चलो चलो अगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हु इज द लोकसभा एमपी फ्रॉम होशियारपुर, हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़, दसो जी इन्हों के आंसर। वन द बी, टू द सी,
वन द बी सोम प्रकाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है जी सोम प्रकाश जेडे ने होशियारपुर तो एमपी ने, उस तो बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़। सी के है तुसी एम एस रंधावा, ठीक है ना, वेरी गुड, सही आंसर है मोहिंदर सिंह रंधावा जेडे ने हो पंजाब दे पहले चीफ कमिश्नर सीगे। चलो अगे चलते हैं, वैन वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द चंडीगढ़ लेड इन, चंडीगढ़ दिया जिहड़ा नींह पत्थर है वह कदों रखा गया। उस तो बाद ले कॉर्बूजियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज द नैशनल ऑफ किहड़े देश का जिहड़ा सिटीजन सी ले कॉर्बूजियर। थ्री का डी ते फोर का बी देख लें जी, थ्री का डी वेरी गुड, 48 का देखो पहले ही कैंसल हो गया है ना, तो 66 के विच तां पंजाब हरियाणे की सांझी कैपिटल बनाया गया सी, 60 का कोई रौला ही नहीं है। ले कॉर्बूजियर जिहड़ा आर्किटेक्ट सी चंडीगढ़ का वह किहड़े देश का सिटीजन सी, नैशनल सी, ब्रिटेन नहीं, फ्रांस, यस फ्रांस का नैशनल सी जिहड़ा ले कॉर्बूजियर सी चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट। वैन द गवर्नर ऑफ पंजाब टुक ओवर द डायरैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टैरेटरी ऑफ चंडीगढ़ 84 दे विच, के पंजाब दे गवर्नर ने जिहड़ा चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन आ वह कदों अपने अंडर लिया 84 च, 80 दे विच, 52 दे विच या 66 दे विच, दसो। फाइव का ए ते सिक्स का ए, फाइव का ए 1984 बहुत वधिया जी, 1 जून, 1 जून 1984 नूं जिहड़ा वो टेक ओवर कर लिया सी। हु सक्सीडेड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल तो बाद पंजाब दे गवर्नर कौन बने, कप्तान सिंह सोलंकी, वेरी गुड, कप्तान सिंह सोलंकी आपां पढ़ाया सी ना, तो बीपी सिंह बदनौर तो यह प्रेजेंट ने, तो ये जेडे आ ये पहले ने। उस तो बाद देखो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चंडीगढ़, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन डेंसिटी चंडीगढ़ की कितनी है दसो। सैवन का सी ते एट का बी, सैवन का सी, सी कौन कह रहा, मनिंदर सी, जसप्रीत सी, एट का बी तो चलो बाद च देखांगे, पहले ये तो क्लीयर करो यार, सी किदा
10,000 पर किलोमीटर स्क्वेयर किन्नी बढ़िया सी, किन्ना बढ़िया सी आपां डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किन्नी बढ़ी सी। उस तो बाद क्वेश्चन ऑप्शन देखो 9800 पर किलोमीटर स्क्वेयर, नहीं 9900 के करीब सी, बट गल की है 9300। हुण देखो पहला आपां वापस जाने हैं ते आपां पॉपुलेशन डेंसिटी जिहड़ी है वो देख के आने हैं। आ देखो पॉपुलेशन डेंसिटी 9258 परसन पर स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि हुण अप्रोक्सीमेट देखो आंसर देखियो हुण भी किस दे करीब है, 9800 दे करीब है, नहीं 10,000 दे करीब है, बिल्कुल भी नहीं। हुण इन्हां दोनों चो दसो कि किस दे करीब है, 9258 है ना, तां जे तां 50 तो 9250 तो घट हुंदा, जे तां वध हुंदा 9250 तो, फिर तां आंसर इह है। जे घट हुंदा मान लो फिर आंसर ए सी, बट ए नहीं है, आंसर है 9300 किलोमीटर स्केयर, ठीक है। थोड़ा ध्यान नाल ऑप्शन पढ़िया करो ते स्टेटमेंट पढ़िया करो, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है, ठीक है। ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ो दो बार, फिर ऑप्शन पढ़ो दो बार समझ आता ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन छड के अगले क्वेश्चन दे चलो, उन्हूं आप बाद च देखांगे, क्योंकि जिन्ना एक क्वेश्चन ते तुसी टाइम वेस्ट करोगे या लगाओगे वो क्वेश्चन थोड़े दिमाग ते ज़्यादा जोर पाऊगा, ज़्यादा जोर नाल आपां थोड़े जे ज़्यादा डीप चले जाने, ज़्यादा डीप जाके जिहड़ा वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता, तो पेपर च जिहड़े क्वेश्चन आउंदे आ वो जीके दे आउंदे आ, जीके दा मतलब हुंदा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज दे क्वेश्चन आउंदे आ, आपां पीएचडी दे क्वेश्चन थोड़ी पुछणगे आपां नूं, ठीक है ना। अगे दसो मुक्तसर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स, कि डिविजन विच जिहड़ा मुक्तसर है वो लाई करता है, एट द बी फिरोजपुर, वेरी गुड, फिरोजपुर दे विच मुक्तसर जिहड़ा लाई करता है, जिस दे विच होर केड़े केड़े आउंदे, फिरोजपुर फाजिलका मुक्तसर ते मोगा। चलो जी अगे सिलेक्ट द इनकरैक्ट पेयर, दसो हुण इनकरैक्ट पेयर केड़ा, नाइन द सी रोपड़ है जिहड़ा वह एस बी एस दे विच आउंदा है, करैक्ट है। पटियाले दे विच किहड़ा है, लुधियाना जिहड़ा वह पटियाले डिवीजन दे विच, सही है, सॉरी एस बी एस जिहड़ा रोपड़ दे विच आउंदा है, ते कपूरथला जिहड़ा वह फिरोजपुर दे विच नहीं आउंदा, कपूरथला जिहड़ा वह जलंधर डिवीजन दे विच आउंदा है। ओके ते जलंधर दे विच जिहड़ा वह अमृतसर आउंदा, करैक्ट है। जलंधर डिवीजन है जिहड़ी वह सब तो वड्डी है। तो दसवें का की है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोगा, कि इन तिना विचों इन चारा विचों केड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ी वह मोगे के बॉर्डर नूं टच नहीं करती, बरनाला कपूरथला बठिंडा या नाना ऑफ। रविंदर दसदा सी बठिंडा करता नहीं, देखिए मैप, आ रहा मोगा, हुण देखोगे केड़े केड़ा जिला जिहड़ा इहनूं टच करदा है, जलंधर यस, फिरोजपुर यस, फरीदकोट यस, बठिंडा यस, बरनाला यस, लुधियाना यस, कपूरथला नो, कपूरथला नहीं करता, कपूरथले का इतने फर्क है।
ਕਪੂਰਥਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ठीक है तो यदा आंसर जोड़ा वह कपूरथला है। देखो अगला क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब टू स्टार्ट स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स पढ़े सी ना आप कि जी कुत्तियां दी स्टरलाइजेशन है वह स्टार्ट की सी एक जिले ने तो वह कि जिला सीगा दसो ग्यारह का बी मुक्तसर वेरी गुड मुक्तसर इज द राइट आंसर मुक्तसर दे विच किड़ा पिंड सीगा बूरा गुजर विलेज बूरा गुजर जिथे जी है स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स पंजाब दे विच स्टार्ट की गई सब तो पहला उस तो बाद बारवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली मेड तहसील इन पंजाब तो न्यूली मेड तहसील कि पंजाब दे विच मरिंडा दीनानगर दिरबा या मजिठा जिहड़ी सब तो लेटेस्ट है ग्यारह का बी बारह का बी बारह का जोड़ा बी है दीनानगर दीनानगर बिल्कुल सही है ठीक है। हॉकी स्टेडियम इन मोहाली इज रीसेंटली रनेम्ड आफ्टर जोड़ा मोहाली हॉकी स्टेडियम है उन्हों किस दे नाम से उसका नाम है जोड़ा रखा गया है सरदारा सिंह मेजर ध्यान चंद बलबीर सिंह सीनियर या नन ऑफ दीज देखो तेरह का सी तेरह का सी तेरह का सी बलबीर सिंह सीनियर वेरी गुड उस दिन आप करंट अफेयर के पढ़िया सीगा कि जिन्होंने ओलंपिक मैडल्स भी इंडिया ने जिताए सी हॉकी दे विच एज अ कैप्टन भी तो वाइस कैप्टन भी तो एज अ प्लेयर भी ठीक है तो इन्होंने नाम से जोड़ा वो स्टेडियम का नाम रखा गया है। उस तो बाद मिशन फतेह इज लॉन्च बाय पंजाब सी एम इज रिलेटेड टू कोविड 19 स्वच्छ भारत डिजिटल इंडिया या नन ऑफ दीज तो यह जो मिशन फतेह है वह कोविड 19 के रिलेटेड है। उस तो बाद पंजाब हैज क्लाइमेट दसना पंजाब का किड़ा क्लाइमेट है चारा चो सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट लॉरेंशियन टाइप ब्रिटिश टाइप या टुंडरा टाइप
15 ਦਾ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ क्लीयर है जी वेरी गुड चलो बच्चे तो सारे होशियार है मेरी क्लास चा चलो आप पंजाब पुलिस वाला जिहड़ा एस आई का पेपर है 2016 वाला वो आप डिस्कस कर लें तो देखो क्वेश्चन सारे पंजाब जी के तक करांगे ही करांगे उस तो अलावा आप बाकी भी कर लें ठीक है क्योंकि अपने को हाले 20 मिनट पे आ तो 20 मिनट आप कर लें तो पहला क्वेश्चन है वैन इज़ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑबजर्वड तो मैं पहला भी दस्या सी कि जेडे ये इंपोर्टेंट डे इंपोर्टेंट ये इंपॉर्टेंट ने यह याद रखने बेसिक जीके का पार्ट है ठीक है ये जरूर याद रखने हर मंथ के जेडे मेन मेन वो तो याद रखनी है तो अपने जेडे पिछले 6 महीने दे आ ओहो बिल्कुल थोनू रटे हुए होने चाहिए पक्के होने चाहिए क्योंकि जेडे करंट अफेयर वाले है जिमें हुण मान लो मार्च लंघ के गया अप्रैल लंघ के गया मई लंघ के गया तो मे दे विच जे कोई दिन होगा तो लंघिया होऊ ते और न्यूज़ च आए हो तो आप पढ़िया होगा तो करके वह जिहड़ा क्वेश्चन है वह पाया जाता है ठीक है उन्होंने करंट अफेयर का प्लस स्टैटिक स्टैटिक का दोनों का क्वेश्चन है जो मन के चलो तो इन्हों के 6 महीने घट्टो घट पुराणिया के रट्टे मारने मारने प्लस जो इंपोर्टेंट डेज आ साल के वो सारे याद रखने है कम रट्टे वाला बट करना पैना उस तो बाद साइंस का क्वेश्चन है ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है छोड़ो आप जी एस दे देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन है हू रोड द फेमस सोंग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ए रविंद्रनाथ टैगोर बी मुहम्मद इकबाल सी बंकिम चंद्र चैटर्जी डी क्वाजी नजरुल इस्लाम तो सारे जहाँ से अच्छा किने लिखा सी दसो ये तो वैसे भी आप सुनिया होना बचपन तो सुनते आ रहे हैं दसो जी बंकिम चंद्र पक्का देख लो मुहम्मद इकबाल ने जेड़ा ये सारे जहां से अच्छा सॉन्ग है वह लिखा सी ये काफी फेमस पोइट ने मुहम्मद इकबाल उस तो बाद क्वेश्चन आया हुआ है हाउ मैनी ए पॉलिटी का क्वेश्चन है हाउ मैनी मैंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट फ्रॉम अमंगस मैंबर्स अमंगस परसन हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस एक्सेट्रा के प्रेजिडेंट राज्यसभा दे विच सोशल सर्विस वगैरह लिटरेचर आर्ट चो किनू किन्ने बंदे नू जिहड़ा वो नॉमीनेट करता है तो ऑप्शनस ने 2, 10, 12, 15 दो करता है या 10 करता है या 12 करता है कि 15 करता है राज्यसभा दे विच पूछ रहे हैं जी मैं कि राज्यसभा दे विच जिहड़ा प्रेजिडेंट है वह नॉमीनेट किन्ने बंदे नू करता है
12 12 इस दा सही आंसर है। 12 जेडे हो राज्यसभा दे विच किन्ने कीते जांदे आ 12 आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस एटसेट्रा ठीक है। लोकसभा दे विच दो कीते जांदे सी एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी तो, पर हुण एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी वाला जेडी प्रोविजन आ ओह हटा दित्ती गई है, हुण ओह दो भी नहीं कीते जांदे ठीक है। उस तो बाद एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, के पंजाब विधानसभा दे विच कुल किन्नियां सीटां हन। ऑप्शंस ने 117 118 119 120 ते ऐदां दे नेड़े नेड़े वाले ऑप्शंस उदों दित्ते जांदे जदों बिल्कुल बेसिक चीज पूछी जांदी है। एक सौ सतारा वेरी गुड, 117 इज द राइट आंसर। उस तो बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स दे विच इन्होंने फुल फॉर्म्स ही पूछिया हुई ने, ज्यादातर कुछ नहीं पूछा हुआ। इन्होंने पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, फुल फॉर्म्स पूछिया हुई ने। सी आर आर की फुल फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने कैश रिसिप्ट रेसो, कैश रिसिप्ट कह लो या रिसीट कह लो है ना, कैश रिसीट रेशो। दूजा एस एल आर स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो। तीजा एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चौथा एन बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इनकरैक्टली कि मैच है सी आर आर, सी आर आर कैश रिसीट रेशो है जोड़ा वह इनकरैक्टली मैच है, क्यों, क्योंकि जोड़ा सी आर आर की फुल फॉर्म है वह कैश रिजर्व रेशो होंगी है। कैश रिजर्व रेशो वह हों जो बैंक जेडे आर बी आई को कुछ परसेंट अपना रखते हैं ठीक है, जोड़ा कुछ परसेंट अपने टोटल पैसे टोटल डिमांड डिपोजिट्स का ठीक है, वो जो जो आर बी आई के रखे जाता उसनों सी आर आर कहने, तो जो अपने को रखते वह गोल्ड के कैश के आप कहने एस एल आर। उस तो बाद देखो क्वेश्चन आया हुआ है, विच सिटी विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2020, के 2020 दे विच ओलंपिक खेडां दी मेजबानी केड़ा शहर है जेड़ा वो करेगा। ऑप्शंस ने रोम बर्लिन टोक्यो दोहा। रोम इटली दे विच, बर्लिन जर्मनी दे विच, टोक्यो जापान दे विच, दोहा किथे कतर दे विच। टोक्यो वेरी गुड, टोक्यो जेडे हुण 2020 वाले ओलंपिक्स होणगे, मतलब पिछले साल होए नहीं तां इस साल होणगे, हैगे 2020 वाली आ। ते एक क्वेश्चन है, गिव द करैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी आपां दसणी है, क्रोनोलॉजी आपां दसणी है, ते उन्होंने ऑप्शन दिते आ एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यूआईएम क्विट इंडिया मूवमेंट, साठ सत्याग्रह। पार्टीशन ऑफ बंगाल दसो। इन्हां दी नंबरिंग कर दो, अच्छा दस दौ कि पहले नंबर से केड़ा होगा दूजे नंबर से केड़ा, तो नंबरिंग दस दो मैनू। एनसीएम क्यूआईएम साल सत्याग्रह ते पार्टीशन ऑफ बंगाल।
हाँ जी दसो जल्दी। चलो मैं दसदा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 दे विच, साल सत्याग्रह तो बाद जिहड़ा है वह अपना की कहिंदे आ सीडीएम स्टार्ट हुई सी 1930 दे विच, ते क्यूआईएम 1942, एनसीएम 1920, ते इहदा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की है 1 2 3 ते 4, ठीक है 2 4 3 1 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ। ਇਸ ਵੀ ਐਨਸੀਐਮ ਸਾਲ ਕੁਐਮ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਿੰਦਰ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਫਲੈਗ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਆ। नहीं रविंदर गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा चलो एक चीज दस देना, सब तो पहली जिहड़ी स्टेट बनी सी ना लैंग्वेज दे आधार ते वो बनी सी आंध्रा प्रदेश, ठीक है। आंध्रा, महाराष्ट्र, पंजाब, नागालैंड, ठीक है जी 1 2 3 ते 4, ये है जिहड़ा इहदा करैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। वेरी गुड मनिंदर। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਦ ਵਿਚ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਊਸ। ਡਿਊਸ ਕਿ ਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਟੈਨਿਸ। ਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਟਰਮਸ, ਕਿ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?
बैडमिंटन नहीं जी, गेम्स इंडोर नहीं, नहीं इदां दा कुछ नहीं है। पहला तो यदा आंसर दसदा, यह टेनिस दे नाल रिलेटेड है। टेनिस दे विच जिद्दां पॉइंट्स तुहानू पता होने, पॉइंट्स दिते जांदे है ना, 15-15 फिर 30-30 फिर 40-40 इदां इदां। जदों बंदे नू दो पॉइंट इकट्ठे लैने होण ना, जदों मतलब कि टाई हो जाए तो दो पॉइंट इकट्ठे लैके गए जिहड़ी गेम है उह जितनी होवे, पॉइंट जिहड़ा उह जितना होवे ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਗੇਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਗੇਮ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਰਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ या अपना बॉक्सिंग हो गया, रैसलिंग हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स ने। ठीक है, समझ आया? चलो अगे क्वेश्चन है पॉलिटी का। फिर तो पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो खुद तो पढ़ी लो घट्टो घट, क्लासेस जो लगनगियां वो लगनगियां। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। कि इन चारों के विचों हड़प्पन साइट केड़ी नहीं हैगी? ऑप्शंस ने कालीबंगन, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, कपूरथला, चारों के विचों केड़ी नहीं है? कपूरथला नहीं है। वेरी गुड रविंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तो बाद हू लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सिटी। अमृतसर शहर की बुनियाद किसने रखी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह। चारों के विचों अमृतसर की जी नींह पत्थर है जोड़ा मतलब कि जी बुनियाद है वह किसने रखी? नींह पत्थर का अपन पता है साई मियां मीर जी ने रखी सी, वह हरिमंदर साहब की रखी सी। तो शहर किसने वसाया से यह दसो, कि गुरु ने शहर वसाया से अमृतसर? गुरु रामदास। वेरी गुड। ते उस तो बाद द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डीमार्केटेड बाय। के पंजाब ते पाकिस्तान दे विचकार जिहड़ी बाउंड्री है वह किसने डीमार्केट की सी? ऑप्शंस ने माउंटबैटन, रेडक्लिफ, मैकमोहन, स्टैफर्ड क्रिप्स। मैकमोहन, रेडक्लिफ, माउंटबैटन ते स्टैफर्ड क्रिप्स। रेड क्लिफ। वेरी गुड रविंदर, जसप्रीत, मनिंदर। उस तो बाद क्वेश्चन है, हू प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जिहड़ा भारत के संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अगे किसने प्रीएम्बल बनाने की सलाह दी सी? ऑप्शन सुनो, जवाहर लाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी या बी एन राव, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी या जे एल नेहरू। ड्यूस दसिया तो सीगा जी, ड्यूस जेड़ा है वो टेनिस गेम नाल रिलेटेड है, डेंस नहीं है, ड्यूस है, DEUCE। नेहरू, जे एल नेहरू ने जिहड़ा है वह दिता सीगा, जिसनों कि आपां
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी कहने हैं। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन्होंने अगे पेश किया ड्राफ्टिंग कमेटी दे, ठीक है, उस तो बाद जो वह प्रैम्बल लिया गया। आगे देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। Which Indian state has borders with these with three countries, namely Nepal, Bhutan, and China? कहिंदे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चाइना भूटान ते नेपाल दे नाल केड़ी है जी इंडियन स्टेट है जिदा बॉर्डर लगता है। तो ऑप्शन सुनो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या सिक्किम। आ चाइना नेपाल ते आ भूटान, आ जिहड़ा है सिक्किम है। सिक्किम स्टेट का जिहड़ा है वह बॉर्डर टच करता तीन स्टेट्स दे नाल। चलो अज लई बहुत है इनक ते आ जे क्लासिस तो चलो जदों लगनगियां लगनगियां, बट तुसीं खुद तो भी पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि टाइम घट रह गया है तो आप जिहड़ा रिस्क नहीं लै सकते, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन तुसी देख ही ले आ कि हर पेपर दे विच पॉलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, तो क्यों रिस्क लेना है। किसी नूं कोई डाउट होवे पुछो। समझ आ रही है ना, मतलब कि क्लासिस की जो भी अपने क्लासिस चलता करंट च हो, चाहे पंजाब जीके दे विच हो, सब नूं समझ आ रहा ना। जे कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो। चलो जी, थैंक यू सो मच। हाँ चलो इदा कराया करूँगा क्योंकि मैं कुछ एंड जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उदो आप पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन कर लिया करा। तो जिदा जिमें जिमें मान लो क्वेश्चन होया करे, मान लो जिदा राज्यसभा का कोई क्वेश्चन आया जिदा अज आया सी, तो आप राज्यसभा बारे थोड़ा बहुत पढ़ लिया करा, ठीक है। जिदा प्रेजिडेंट का कोई क्वेश्चन आया तो प्रेजिडेंट बारे पढ़ लिया करा थोड़ा बहुत, ठीक है जी। कोई गल नहीं, आप इशू भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बचते टाइम के 10-20 मिनटों के आप थोड़ा थोड़ा कर लिया करा पॉलिटी वगैरह। चलो जी, थैंक यू सो मच, ध्यान नाल पढ़ो।